श्री राम भक्ति पथ मंडल बैराड़ द्वारा 101 मंदिरों पर प्रसाद पुष्पमाला पूजा पाठ की सामग्री दी जा रही है। खबर शिवपुरी जिले के बैराड़ से है, जहां श्री राम भक्ति पथ मंडल बैराड़ द्वारा अयोध्या में होने वाले 22 जनवरी को श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भक्तिभाव से बैराड़ ब्लॉक के अंदर आने वाले प्रत्येक गाँव के 101 हर मंदिर पर पुष्प वर्षा माला प्रसाद और पूजा पाठ की सामग्री वितरित करने का संकल्प लिया है, जो कि कई ग्रामों में के मंदिरों पर हमारी मंडली द्वारा पुष्पमाला प्रसाद पूजा पाठ की सामग्री पहुंचा दी गई है। शेष मंदिरों पर पहुंचने का कार्य जोरों से चल रहा है। राम भक्ति पथ मंडल समिति के द्वारा ये कार्य भक्ति भाव से करने का उद्देश्य है कि गांव के मंदिरों पर भी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर वितरित की जा रही है, जिससे कि प्रत्येक मंदिर पर पूजा पाठ भक्ति भाव के साथ सभी ग्रामवासियों द्वारा किया जाए और हर मंदिर पर 22 जनवरी के दिन पूजा पाठ भजन कीर्तन होना चाहिए। राम भक्ति पथ मंडल के संयोजक ओम प्रकाश भारद्वाज डेंडरी वाले और उप संयोजक ब्रजेश गुप्ता खौदा वाले धर्मवीर भारद्वाज मोहन यादव और श्री राम भक्ति पथ मंडल के सैकड़ों कार्यकर्ता तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। यशवी भारद्वाज के मुख वाणी द्वारा सुनिए श्री राम कथा का वर्णन गाते हुए किस तरह सुनाया, देखिए पूरी खबर में। बैराड़ से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। श्री गणेशाय द्याय पतिये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराख्याय पतिये नमः। वाल्मीकि गुरुदेव ने कर पंकज शिव नाय, तुम्हें सुमेरो माते पवन सराशती हम पर होते सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजा जनक नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बुदीते भरत खंडे आर्यावर्त, भरत वश एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, संतति हेतु यज्ञ करवाया धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। नृप गर्जन में चार को मारा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा, चार भ्राताओं के शुभ नामा। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा, गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके, अल्पकाल विद्या सब पके पूर्ण हुई शिक्षा, रघुवर पूरन काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मृदुशर कोमल भावना लोचक वस्तु प्रढंग, एक एक कर वरण करें लव कुश राम प्रसन्न। विश्वामित्र महामुनि राई तिनके संग चले दो भाई, कैसे राम ताड़का मारी कैसे नात अहिल्या तारी। मुनिवर विश्वामित्र तब पहुँचे मिथिला धाम, जनक
जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी, अपने वर का चयन करेगी सीता सुख मारी, जनकपुर उत्सव है भारी, जनक राज का कठिन प्रण सुनो सुनो सब कोई, जो तोड़े शिव धनुष को सा सीता पति हो, को तोड़े शिव धनुष कटो सबकी दृष्टि राम की, राम विनय गुण की अवता गुरुवर की आज्ञा से दा, सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा, रघुवल जैसा और न कोई, सीता की समता नहीं होई तो करे पराजित कांटी कोटे रति नाम की, हम कदा सुनाते राम सकल गुण नाम की, ये रामायण तो आ रहा है, सामग्री का वितरण किया जा रहा है, क्या कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे? चले जय श्री राम। और सतीश भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम दो दिन पहले ये पिलाना आया हमारे मन में, तो वास्तव में ये धर्म में बहुत बड़ी शक्ति होती है, उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि हमारे कैलाश कुशवाहा जी जो चुनाव लड़ने जा रहे थे, तो उन्होंने हर ग्राम में हर मंदिर पर एक एक नारियल 100-100 रुपये जो भी भेंट रखवाया था, तो हम तो ये सोच रहे थे कि इससे क्या होगा, लेकिन वास्तव में ही उससे हमें जो ऊर्जा जो शक्ति मिली है वो उसी धर्म की देन है कि आज हम विजय हुए। और इसी के उपलक्ष में हमारी जो समिति है श्री राम भक्त पदमंडल बैराड़ के नाम से, तो 2 क्विंटल बूंदी, 2 क्विंटल जो और भी प्रसाद, 1 नारियल, 2 धूपबत्ती, 1 झंडा और 51 रुपये पुजारी के लिए भेंट, और ये सब हमारी समिति ने किया, सभी लोगों ने दान दिया है। आपकी समिति में लगभग कितने सदस्य होंगे, कितने लोग हैं? हमारी समिति में सुरसा जैसी तरह मोह फैलती जा रही है, समिति हमारी बढ़ते ही जा रहे हैं लोग। उस टाइम पर तो हम 10-11 लोग थे, लेकिन भगवान की कृपा से अभी सैकड़ों की संख्या में हो गए और बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी आपके सामने भी कुछ नाम आए हैं, वो भैया हमारे सामंत जी लिख रहे थे उन नामों को, और इसी तरीके से हमें भी ये आशा में पूर्ण विश्वास है कि वास्तव में ही ये समिति बहुत आगे जाएगी और हर ग्राम में एक धर्म की ध्वजा हम फहराएंगे। जय श्री राम। नाम है आपका? जय श्री राम। मेरा नाम धर्मवीर भारद्वाज है। और सतीश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम हमारे राम भक्ति पथ मंडल हमारे समिति में आप यहाँ पर पधारे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में 22 जनवरी को अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा जो होने जा रही है, हमने उसके उपलक्ष्य में हमारे सभी जो यहाँ पर राम भक्त हैं, हमारे बैराड़ ब्लॉक के जो 101 मंदिर हैं, हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम 22 जनवरी को सभी मंदिरों में 101 मंदिरों में दीप प्रज्वलित करके और माल्यार्पण करके और भगवान रामचंद्र जी की पूजा अर्चना करें। जय श्री राम। इसलिए हमने जो 3.25 किलो का प्रसाद, नारियल और वहाँ के पुजारी के लिए भेंट हमारे संयोजक श्री ओम प्रकाश भारद्वाज जी और हमारे उपसंयोजक ब्रजेश गुप्ता जी और उनके साथ सभी भक्तों ने अपना छोटा छोटा बड़ा बड़ा दान इकट्ठा करके हमने ये सामग्री इकट्ठी की है, और ये जिससे हमारे सभी लोगों के बीच में सद्भावना और भगवान रामचंद्र जी का त्याग विचार ये प्रेम सब में बढ़े, इसके लिए हमने। तो जैसे कि मान के चलें प्रत्येक गाँव के लिए आपके द्वारा दिया जा रहा है, हर मतलब हर गाँव के लिए, हर मंदिर के लिए, प्रत्येक गांव के लिए जो हमारे बैराड़ ब्लॉक में जितने जो गांव हैं, जितनी हम भाग दौड़ कर पा रहे हैं, तो 101 मंदिर हमारे बैराड़ के जो 90 गांव हैं, वहां हमारे सभी जो साथी हैं, जो हमारे सभी भक्त लोग हैं जुड़े हुए हैं, सब आ रहे हैं और
अभी तक 40 मंदिरों पर सामग्री पहुंच चुकी है, अभी 61 मंदिरों पर और बकाया है। तो कल सुबह जो वहाँ का जो समय देखते हुए उतने बजे इधर से फोन जाएगा सबके लिए और सब एक ही साथ पूजा अर्चना और दीप प्रज्वलित किया जाएगा।